बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा बोलते हैं कि वो कामयाब हो गए या नहीं हो गए, वो चॉइस उनके हाथ में नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कामयाब हो या ना हो, ये दोनों चॉइस आपके हाथ में है। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, आदत जो होती है, आदत, आगे हम इसके ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे, आदत बनाना ये हम सब लोगों के हाथ में है, हमारा भविष्य बनाना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो इंसान अपनी अच्छी आदतें बनाता है वो इनडायरेक्टली अपना फ्यूचर अच्छा बनाता है, और जो इंसान आज बुरी आदत बना रहा है उसका श्योर है कि उसका फ्यूचर भी जो है वो बुरा होने वाला है। तो इनकी बताई हुई लाइन है कि आदत बनाना अपने हाथ में है, भविष्य बनाना अपने हाथ में नहीं है, और अच्छी आदतें अगर हम बनाते गए तो ये डैम श्योर है कि अपना भविष्य भी अच्छा बनने वाला है। तो आपको अपनी आदतों के ऊपर काम करना जरूरी है। इनको कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। डांसर कितने हैं? डांसर, डांस करने वाले, परफॉर्म करने वाले। अरे यहाँ पर जब एनुअल प्रोग्राम होता है तब परफॉर्म करने वाले, गरबा खेलने वाले, भाई गरबा खेलने वाले। चलो आज से गरबा चालू हो रहा है, गरबा कितने लोग खेलते हैं? अरे गरबा ना द्रम था हमें, खेलते हैं ना सब लोग। तो ये थोड़े इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, फर्क खाली उतना है, और ये अपने अंदाज में खेलते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, डांस का मतलब यहां पर बताया गया है, डिसिप्लिन, एटीट्यूड, न्यू एडवेंचर एक्सपीरियंस। मतलब जब भी आप नया तजुर्बा या नया एक्सपीरियंस करते हो, जब अपना काम करते हो उस टाइम पर, तो वो आपका डांस बन जाता है इनके लिए। इनको कितने लोग जानते हैं? वुमन एम्पावर, बॉक्सिंग, मैरी कॉम, पिक्चर देखा होगा प्रियंका चोपड़ा का, अब याद आ गया होगा, है ना, मैरी कॉम। तो इन्होंने भी अपनी जिंदगी इनके अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, और इनको भी कामयाबी इजीली नहीं मिली है। ये सारे फोटो और ये सारे चेहरे मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि अगला फोटो यहाँ पर आपका लगने वाला है, अगला फोटो आपका लगने वाला है। लेकिन ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क किया है कि कौन सी चीज पे लगेगा और कौन सी चीज में आप खास होने वाले हो या परफॉर्म होने वाले हो, कि जहां जिस पोजीशन के अंदर आपका नाम लिया जाएगा। क्योंकि हर इंसान चाहता है कामयाब होना, हर इंसान चाहता है सक्सेसफुल होना, लेकिन वो कामयाबी उनको नहीं मिलती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है, उनका ड्रीम और उनका डेट ये दोनों फिक्स नहीं होता है। कई लोगों का कहना यह है कि उनको कामयाब होना है, लेकिन कब? जरे थसे तेरे जोवाई जैसे, या जरे थसू तेरे तमने मड़सू। तो कई लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि कामयाब होने के लिए जो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पहला होता है सपना और दूसरा होता है डेट। क्योंकि हर बार जब आपकी एग्जाम का अनाउंसमेंट होता है तो वहां पर डेट बताई जाती है, यस या नो? तो ड्रीम जो होता है उसको गोल में अगर कन्वर्ट करना है तो वहां पर लगाई जाती है डेट, कि आपको कामयाब होना है, लेकिन कब तक होना है वो आपका फिक्स होना चाहिए, और कौन से तारीख से पहले वो फिक्स होना चाहिए। आज इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट लोगों को हम खुद मिलते हैं, जब उन लोगों का स्टडी कंप्लीट हो जाता है और जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो इंटरव्यू के टाइम पर जब हमारी उनसे बातचीत होती है, उस टाइम पर हम खुद शॉक होते हैं। और ये शॉक होने की वजह ये होती है, इंटरव्यू के अंदर बताई गई बेसिक चीजें जो होती है उसका भी नॉलेज उनको नहीं होता है, और पहले इंटरव्यू में ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं। और ये प्रैक्टिकल हम देखकर आए हैं, इसलिए आज कॉलेज में आपको मिलने आए हैं, और आपको बताने वाले हैं कि आप फ्यूचर के अंदर क्या गलतियां करने जा रहे हो जिसको आज आपको सुधारना है। तो एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा जहां पर आपको पता चलेगा, फर्स्ट टाइम जब बंदा अपना करियर बनाने के लिए निकलता है क्या गलतियां आप लोग करते हैं, एक वीडियो। क्योंकि कई बार जब मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए जब फर्स्ट टाइम उनके सामने आकर मैं बैठता हूँ, तो सबसे पहले उनको ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी कंपनी के लिए वो इंटरव्यू देने आए, उस कंपनी के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं होता है, उस कंपनी के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को आदत होती है जो उनका रिज्यूम होता है या जो उनका बायोडेटा होता है उसको मोड़ कर लाते हैं, और मोड़ कर लेकर आकर सामने वाले को देते हैं और वो खोलता है।
या 3-4-5 जगह वो सबमिट करके वो लेकर आते हैं। ये गलत तरीका होता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि इंटरव्यू के टाइम पर कैसे कपड़े हमें पहनकर जाने हैं, किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है, किस तरीके से हमें बैठना है, किस तरीके से हमें बात करनी है। अगर कोई इंसान आपको पहला क्वेश्चन बताए कि बताइए आप अपने बारे में खुलकर, तो आपको अपने बारे में क्या बताना है। बहुत सारे लोग अपना नाम बताकर रुक जाते हैं, और कई लोग इंटरव्यू के अंदर बिना प्रिपरेशन के जब जाते हैं तो उनके अंदर एक डर होता है, उनके पैर जो है ना वो थितरते हैं, डांस करते हैं, वो चेयर के ऊपर सही ढंग से बैठ नहीं पाते, ऐसे ऐसे घूमते कि गरबा खेलने आए। और ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली देखकर आया हूं। तो ये गलतियां अगर हमें नहीं करनी है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर स्टूडेंट जो है वो पावरफुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके पास क्या होता है, लेस नॉलेज। पता ही नहीं है कि इंटरव्यू देना कैसे, और पता है तो उसकी प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, नो स्किल। मेल कैसे करना है, हमें अपने बारे में कैसे लिखकर किसी को चीजें देनी है, पावर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इन चीजों के ऊपर जो नॉलेज होना चाहिए वो बहुत कम लोगों को होता है। और आज अगर मेरी बारी है तो कल उठ के आपकी भी बारी यहां पर आने वाली है, आपको भी इतने लोगों के बीच में आकर बोलना पड़ेगा। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम होता है 1-to-1 में मास्टर होते, जब 1-to-10 हो जाए तो वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी बातें यहां पर आकर रुक जाती है। तो ये कलाकारी भी आपको सीखनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई भी तरीके का अनुभव नहीं होता है। हम पढ़ाई करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, लेकिन पढ़ाई के बीच में जब भी आपको वैकेशन का टाइम मिले, मैं आज आप लोगों को यहाँ पर अप्रोच देना चाहूँगा, पार्ट टाइम जॉब करना उस टाइम पर शुरू कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए। कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता है, काम काम होता है, और काम करके जो आप सीख सकते हो, अपने आप को तैयार कर सकते हो, आगे जब बड़ी इंटरव्यू या बड़ी जगह आपको अपना चीजें प्रेजेंट करने की बारी आएगी, वो सारा एक्सपीरियंस आपको काम लगेगा। तो ये आप लोगों के अंदर होना जरूरी है। दूसरा, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो इकोनॉमी है, जो इंडिया की करंट सिचुएशन है, या इंडिया के अंदर जो करंट चीजें चल रही है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो हार्डवर्क करना नहीं चाहते हैं। ज्यादातर लोग आते हैं इंटरव्यू के अंदर MBA करके और हमें ऐसा बोलते हैं, मुझे सैलरी चाहिए 50,000 पर मंथ। तो हम सवाल पूछते हैं, आप करेंगे क्या? तो वो बोलते हैं कि सर AC चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक चेयर और टेबल चाहिए, मैं बैठे बैठे मेरा काम करूँगा। तो क्या चाहिए वो उनको क्लियर है, लेकिन क्या देना है वो उनको क्लियर नहीं है, तो वहां पर दिक्कत होती है। फिर क्या होता है, नो आइडिया अबाउट इंटरव्यू, जो आज हमने बात किया वो। हमें ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, कई बार जो कपड़े जहां पर पहनकर जाने चाहिए वो वहां पर हम पहनते नहीं है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा इंटरव्यू के अंदर आते हैं गोवा में जो कपड़े पहने जाते हैं ना वो पहन के, और शादियों में जाते हैं इंटरव्यू वाले कपड़े पहन के। तो ये गलत हो गया, सही होना चाहिए कि कब कहाँ आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, उस तरीके का आपका गेटअप होना चाहिए। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि बायोडाटा कैसे बनाया जाए और बायोडाटा के अंदर क्या क्या चीजें डाली जाए। बहुत सारे लोग, 99.99% लोगों को मैंने देखा है बायोडाटा कॉपी पेस्ट करते हैं, या इंटरनेट वाले के पास जाते हैं और अपना नाम नंबर दे देते हैं, बाकी का पूरा डेटा डिक्टू होता है, खाली अपनी चीजें वहां पर बदल देते हैं और उसकी प्रिंट लेकर जाते हैं। तो ये गलत है, आपको अपना यूनिक तरीका बनाना पड़ेगा अगर आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट कर रहे हो तो। और पहली बार में जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, सामने वाले को अगर अच्छा लगा तो वहां से ही आपका फ्यूचर ब्राइट बनना शुरू होगा। ये सारी गलतियां होती है। दूसरा, सिटिंग का सेंस नहीं होता है। कई लोगों को बैठना कैसे है वो नहीं पता होता है। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चेयर के ऊपर जाकर बैठते हैं और पलाटी अल्टी पल्टी मार के बैठते हैं।
और जो मैंने बोला ना, कुछ लोग डांस करते हैं चेयर के साथ, ये नहीं करना है। बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं बैठना है और पैरों के ऊपर पैर चढ़ा के भी नहीं बैठना है। आप बोलो सूझ है भाई, इंटरव्यू जो है इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू, ये नहीं करना है।